इज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस दैट मीन्स आज्ञावाचिक वाक्य एन इम्पेरेटिव सेंटेंस इज़ अ सेंटेंस विच गिवस अ गिव्स अ कमांड मेक अ रिक्वेस्ट और अ एक्सप्रेसेस विश आज्ञावाचिक वाक्य वे होते हैं जिनके अंदर कमांड कंट्रोल यानी कि हम आज्ञा दें मेक्स अ रिक्वेस्ट आप प्रार्थना करें और एक्सप्रेस ऑ विश या अपनी किसी के लिए प्रार्थना करें एग्जाम्पल्स गो टू योर क्लास आप अपनी कक्षा में जाइए ये आपके लिए एक ऑर्डर है करेक्ट योर स्पेलिंग्स अपनी स्पेलिंग्स को सही करिए ये भी ऑर्डर है प्लीज़ हेल्प मी कैरी दिस बुक्स ये प्लीज़ सब जहाँ लगाए दैट मीन्स आर रिक्वेस्ट वर्ड यू मस्ट स्लीप एट लीस्ट एट आवर्स एवरी डे ये आपके लिए एक सलाह है ऐसे वाक्यों को हम इम्पेटिव सेंटेंस रखते हैं दैट्स टाइप इज अस्कमटी सेंटेंसेस एंड एस्क्री सेंटेंस इज़ अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सडन अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग इसमें एसकेमिटी सेंटेंसेस यानी बिस्में आदि बोधिक शब्द वाक्य वे होते हैं जिनके अंदर हम अचानक से होने वाली घटनाओं को एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो हमारी बहुत प्रबल इच्छाएँ होती हैं सच एज अ सरप्राइज कोई आश्चर्य हो रहा हो वंडर हो रहा हो अचानक पिटी सिंपैथी किसी के साथ हम सिंपैथी दिखाते हैं एंड द ग्रेटिट्यूड एकदम अचानक से मिली हुई खुशी वाट आर शेम एक एसिमेशन मार्क जहाँ लगा हुआ है उन वाक्यों में हम पता लगा लेते हैं हमारे क्या सेंटेंसेज हैं एस्मेटी सेंटेंसेज हैं कितने शर्म की बात है वाट आर शेम वाट आर फूल यू आर किस प्रकार की आप मूर्ख हैं एसिमेशन मार्क लगा हुआ है गर्ल आई एम आर टायर्ड लड़की कह रही है एम आई टायर्ड मैं बहुत थकी हुई हूँ यू डिड इट तुम्हें यह कर देना चाहिए यानी इस प्रकार के जो वाक्य जिनके अंदर एस्टिमेशन वाक्यों के अंत में आपने एस्टिमेशन मार्क भी देखा है दैट इज आर कॉल्ड एस्कमेटी सेंटेंसेस सडन फीलिंग सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आर कॉल्ड एस्कमेटी सेंटेंसेस